आज 24 अक्टूबर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस है। साल 1945 में आज ही के दिन इस संगठन का गठन किया गया था, जो आज विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। चाहे अमेरिका हो या चीन, कोई भी इस संघ से ऊपर नहीं। पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी, जो विश्व में शांति की स्थापना के उद्देश्यों को लेकर काम शुरू किया था, लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो सका। आज संयुक्त राष्ट्र संघ इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन ने वाशिंगटन में बैठक की और एक विश्व संस्था बनाने की रूपरेखा पर सहमत हो गए। इस रूपरेखा को आधार बनाकर 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। फिर 24 अक्टूबर 1945 को घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आज इस संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, मानवाधिकारों की रक्षा व सभी देशों का आर्थिक विकास समान रूप से करना था। इसके लिए विभिन्न देशों के मध्य युद्धों को रोकना, अमन व शांति को बढ़ावा देना, पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। हालांकि कई लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के हाथों की कठपुतली कहते हैं, लेकिन यह कहना गलत भी न होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से ही विश्व के कई कोनों में आज शांति और अमन की बयार बह रही है। संयुक्त राष्ट्र से पहले लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना था, लेकिन 1930 के दशक में दुनिया युद्ध की ओर बढ़ने लगी थी। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और 1944 में इसकी समाप्ति की घोषणा के बाद इस संघ को भी भंग कर दिया गया था। लीग ऑफ नेशन के ढांचे और उद्देश्य को अपनाकर ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र का व्यवहार हमेशा सामान्य ही रहा। हालांकि कुछ एक मौकों पर भारत को इस संस्था से निराशा हाथ लगी। 1948 में जम्मू कश्मीर की समस्या, 1971 का पूर्वी पाकिस्तान का संकट और आजकल आतंकवाद के मुद्दे, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत के साथ व्यवहार किया उससे आम जनता का इस पर से थोड़ा सा भरोसा कम हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, पर उसे अभी तक यह दर्जा हासिल नहीं हुआ है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति को लेकर और लोकतंत्र की स्थापना को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर यह संस्था नहीं होती तो विश्व के कई देश आज विश्व के मानचित्र में नहीं दिखते।